यस फ्रेंड्स, तो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ते हैं। क्या गिवन है हमें? अल्फा कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग कन्वर्जन ऑफ 500 14% कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऑफ 1000 ईच। मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 1080। बॉन्ड इंडेंचर provides that one bond will be exchanged for 10 shares. Price earning ratio before redemption is 20:1 and anticipated price earning ratio after redemption is 25:1. Number of shares outstanding prior to redemption is 10,000. EBIT amounts to rupees 2 lakh. The company is in the 35% tax bracket. Should the company convert bonds into shares? Give reasons. Okay. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि आपके पास 500 कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है क्या इन बॉन्ड्स को हमें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई बिलीव उसके लिए आप क्या चेक करोगे? तो वापस है, आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव आता है वो फाइनेंस मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़नी चाहिए। तो अब आप इसमें वापस चेक करोगे कि क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन है, तो हम इनकम स्टेटमेंट बना करके सिर्फ ईपीएस तक नहीं रुकेंगे, ईपीएस के आगे पी रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो एमपीएस तक आएंगे। तो अगर आफ्टर कन्वर्जन हमारे मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे एग्जिस्टिंग से, तो हम कन्वर्ट कर देंगे। और अगर मार्केट प्राइस नहीं बढ़ेंगे आपके एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से, तो यू शुड नॉट गो फॉर द कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर। दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें, तो सबसे पहले बताया है कि हमारे पास कन्वर्जन 500 14% कन्वर्टेबल बॉन्ड है 1000 ईच के, तो ये हो गया 5 लाख रुपए। मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड 1080, उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। बॉन्ड इंडेंचर प्रोवाइड दैट वन बॉन्ड विल बी एक्सचेंज फॉर 10 शेयर्स, तो 500 बॉन्ड्स के लिए 10 के हिसाब से देखोगे तो 5000 इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। पी रेशियो बिफोर रिडम्पशन वॉज 20 और आफ्टर हो जाएगा 25, बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर वॉज 10,000 और EBIT था 2 लाख। तो हम पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो 2 लाख का EBIT, साथ में कॉलम बना लोगे आप न्यू का भी, आफ्टर कन्वर्जन बिफोर कन्वर्जन। तो बिफोर कन्वर्जन में 2 लाख का EBIT और आफ्टर कन्वर्जन भी EBIT तो 2 लाख ही रहेगा, बट बिफोर कन्वर्जन इस 2 लाख के ये जो 5 लाख रुपए का 14% का इंटरेस्ट था, बट आफ्टर कन्वर्जन वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो पहले आप 2 लाख में से 70,000 माइनस करोगे एग्जिस्टिंग वाले में, और न्यू वाले में कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो 70,000 माइनस कर दिया आपने 2 लाख में से, तो 1,30,000 बचा। उस 1,30,000 में से 35% टैक्स माइनस करोगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। उसको डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर 10,000 कर दोगे तो अर्निंग पर शेयर पता पड़ जाएगा, और उसको पी रेशियो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी एग्जिस्टिंग वाली। अब ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, आफ्टर कन्वर्जन वाला भी बनाएंगे, EBIT 2 लाख ही रहेगा। अब उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं आएगा क्योंकि अब तो आपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया, तो वही आपका अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया, EBIT हो गया। उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे 35% का, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देंगे तो EPS आ जाएगा। आप इक्विटी शेयर्स कितने लेंगे, तो 10,000 तो एग्जिस्टिंग थे और 5,000 ये कन्वर्ट होकर के आ गए, तो 15,000 से डिवाइड करोगे। जैसे ही EPS आएगा उसको आप पी रेशियो जो 25 हो गया उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर मार्केट प्राइस बढ़ रहा है तो कन्वर्ट करो भाई, नहीं बढ़ रहा है तो कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर कन्वर्जन इज मोर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बिफोर कन्वर्जन, ओनली देन बॉन्ड शुड बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। हमने देखा बिफोर कन्वर्जन आफ्टर कन्वर्जन EBIT दोनों में ले लिया, मगर जो इंटरेस्ट माइनस करना था वो सिर्फ 70,000 हमने बिफोर कन्वर्जन ही माइनस करा, तो हमारे पास EBIT आ गया दोनों का, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर EBIT आ गया, माइनस टैक्स कर दिया तो आपके पास अब आया अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दिया तो EPS आ गया। EPS से काम नहीं चलेगा, पी रेशियो से मल्टीप्लाई करा तो मार्केट प्राइस आ गई, मार्केट प्राइस इसमें बढ़ गई, EPS कम था, EPS भी ज़्यादा ही था खैर, बट मार्केट प्राइस बढ़ गई तो आपका ये आप कन्वर्ट कर ही दोगे, रिकमेंडेशन में लिखी दी आपने।
तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9th. अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10th. अ कंपनी नीड्स 31,25,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट. द फॉलोइंग थ्री प्लान्स आर फीजिबल. कंपनी में इशू 312,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर. कंपनी में इशू 156,250 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर एंड 15,625 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच. डिनोमिनेशन बियरिंग 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट. कंपनी में इशू 156,250 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर एंड 15,625 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 शेयर बियरिंग 8% रेट ऑफ डिविडेंड. इफ द कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर 62,500, 125, 250, 375 एंड 625,000, वॉट आर द अर्निंग पर शेयर अंडर ईच ऑफ द थ्री फाइनेंशियल प्लान अज्यूमिंग कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट ऑफ 40%. विच ऑल्टरनेटिव वुड बी यू रिकमेंड एंड वाई. डिटरमाइन द ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट बाय फॉर्मूला बिटवीन फाइनेंशियल प्लान 1 एंड 2 एंड प्लान 1 एंड 2. फाइनेंशियल प्लान 1 एंड 2 एंड प्लान 1 एंड 2 ही नहीं आएगा, एंड प्लान 1 एंड प्लान 3 आएगा यहां पर. ठीक है, तो हमारे पास ये तीन प्लान है. आई बिलीव ये क्वेश्चन तो आप होमवर्क में कर सकते हो. सॉल्यूशन मैंने आपको इसका भेजा ही हुआ है, आप उसको चेक करना. बट इसमें जो ईबीआईटी है वो भी 5 बार का गिवन है, तो 5 कॉलम बनेंगे हर प्लान के लिए. प्लान 1 के लिए भी 5 कॉलम इनकम स्टेटमेंट में, ये 1, 2, 3, 4 और 5. ऐसे ही दूसरे में भी 5 कॉलम और तीसरे प्लान के भी 5 कॉलम. और फिर आप ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, एनपीएटी माइनस पीडी, तो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फिर ईपीएस तक बनाओ. फिर ये तो जब आप बना लोगे, ये आपका ये हो गया. उसके बाद विच ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड एंड बाय, तो वो हर उसमें देखना पड़ेगा हमको कि अगर 62,500 होगा तो कौन सा प्लान, 1,25,000 होगा तो कौन सा प्लान, 250 होगा तो कौन सा प्लान, 375 होगा तो कौन सा प्लान और 625 होगा तो कौन सा प्लान, वो रिकमेंडेशन हम लिखेंगे. और फिर ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है आपको, तो आपको पता है इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है प्लान 1 और प्लान 2 का, फिर प्लान 1 और प्लान 3 का, तो वो तो आप कर ही सकते हो. सॉल्यूशन मैंने ग्रुप में भेजा ही हुआ है, तो आप इसको भी चेक करो. कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप वापस से पूछ लेना. तो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड योर कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर. आप इसके मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस पूरे ट्राई करो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से वापस पूछो. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.